नमस्कार, मैं राजमोहन, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। 4 अगस्त को संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा 2019 का रिजल्ट जारी कर दिया है। यूपीएससी ने सितंबर 2019 में इसका रिटर्न एग्जाम लिया था। मेंस में पास हुए 2304 उम्मीदवारों का इंटरव्यू फरवरी से अगस्त के बीच में लिया गया था। यूपीएससी को भारत में सबसे टफ प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक माना जाता है। हर वर्ष लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित उम्मीदवार ही इसमें सफलता हासिल कर पाते हैं। बिहार के कई युवाओं ने इस वर्ष भी इसमें सफलता हासिल कर बिहार का परचम देश भर में लहराया है। इन्हीं में से एक नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के इमामगंज की सपना कुमारी हैं। यूपीएससी में इन्होंने ऑल इंडिया 806वां रैंक हासिल किया है। सपना पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए यह रैंक उन्होंने हासिल किया है। यूपीएससी में यह इनका दूसरा प्रयास था जिसमें इन्हें सफलता मिली है। सपना के पिता डॉक्टर गणेश कुमार एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। सपना अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को तो देती हैं, लेकिन अपने भाई को इसमें सबसे बड़ा सहयोगी और करीबी मानती हैं। बचपन से लेकर यूपीएससी एग्जाम में सफलता हासिल करने तक का सफर सपना का कैसा रहा, अब उनकी जुबानी खुद सुनिए। जी, मेरी बात सपना जी से हो रही है। जी जी, बिहारी न्यूज से हम बोल रहे हैं, राजमोहन तिवारी। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई है सबसे पहले आपको। आपने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर नालंदा जिला समेत बिहार का नाम रोशन किया है। जी, थैंक यू। आप सपना जी, आपको अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ सवाल है मेरे पास जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा। जी जी, सबसे पहले तो आप अपनी प्रारंभिक पढ़ाई और उच्च शिक्षा के बारे में बताएं। कहाँ से हासिल किया आपने और कैसे इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में आपके दिमाग में आया? मैंने मतलब क्लास 1 से लेकर 3 तक की पढ़ाई यहाँ से आशा मेमोरियल स्कूल से किया है, कचहरी रोड जी। उसके बाद फिर क्लास 4 से लेकर 10 तक मैं, पापा ने मुझे रांची भेज दिया, बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल जी। वहाँ से आईसीएसई से मैंने 10th पास किया। उसके बाद फिर 11th-12th के लिए मैं दिल्ली गई, गंगा इंटरनेशनल स्कूल। फिर वहां से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से फिर मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं JNU। तो अभी परसुइंग है आप पीजी में? हाँ, अभी मैं कर ही रही हूँ, अब मैं सेकेंड ईयर में हूँ पीजी के। स्कूल में आप कैसी विद्यार्थी रही, जैसे सरल भाषा में पूछे तो टॉपर, एवरेज या पासिंग मार्क्स, कैसा परफॉर्मेंस रहा आपका हमेशा स्कूल में? स्कूल में हमेशा मतलब मैं सीरियस पढ़ाई को लेके हमेशा सीन थी, तो हमेशा कह सकते हैं 10th में मेरा 93% था, 12th में भी 94, तो कह सकते हैं कि मतलब तो आप हमेशा से ही, हाँ, आपके पढ़ाई के प्रति आपका हमेशा से ही मन लगा रहा। जी, जी, और यूपीएससी एग्जाम के बारे में आपको पहली बार कब पता चला और कैसे पता चला? यूपीएससी पापा हमेशा से छोटे से मतलब वो था कि आईएएस कुछ होता है, पर ऐसा नहीं था कि बनना है मुझे। तो जब भी मैं मतलब आती थी अपने हॉस्टल से, जब भी गांव इमामगंज, तो रास्ता बड़ा रहता है लोग आने वाले रास्ते में, तो बचपन से लेके आज तक मैंने देखा कि वो नहीं बदला है। मैंने फिर सोच ही लिया कि अब दूसरों को मतलब दोष देकर कोई फायदा नहीं है, मैं खुद अंदर जाऊंगी और करूंगी कुछ। तो आप मानते हैं कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके वजह से बहुत चीजें हैं जो नहीं बदली हैं और आप उन्हें अब अधिकारी बनकर बदलना चाहती हैं? जी जी जी, मतलब सरकार तो योजना बना रही है, पर जो लोकल लेवल के, जो लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है, मतलब गांव के लेवल, पंचायत के लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, तो वहां पे मतलब कमी रह जाती है और नहीं पूरा हो पाता है। तो पिताजी का सपना रहा या आपका सपना रहा? पापा ने कभी फोर्स नहीं किया मुझे किसी भी चीज के लिए, ये मेरा ही था कि मुझे ये करना है। यूपीएससी एग्जाम में जब आप बैठने से पहले, जो एक दिन पहले था, वो कैसा प्रेशर था आपके पास, और जब एग्जाम में आप बैठी तो वो कैसा अनुभव रहा? प्रेशर तो मतलब यूपीएससी के एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा कुछ, मेरा भाई है जो मतलब बहुत मोटिवेट है हमको, जैसे रामायण में हम कहते हैं कि जामवंत था हनुमान जी के लिए, वैसे ही मेरे जर्नी में मेरा भाई हर वक्त मोटिवेट करते रहा मुझे कि रिजल्ट का चिंता मत करो, बस पढ़ते जाओ।
तो कोई प्रेशर नहीं रहा एग्जाम से पहले आपके मन में? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर लोगों के, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, मेरी बातचीत होती रहती है, तो उनके मैं देखता हूँ, तो कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि सर और चिल्ला के बैठे हुए हैं, 10 साल से पढ़ रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है, तो क्यों आखिर ये कैसे हो जाता है कि एक है इंसान जिसके पास कोई प्रेशर नहीं है, सामने वाले में इतना प्रेशर, ये क्यों प्रेशर होता है? भी क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि यूपीएससी ही सब कुछ है, ऐसा सोचते हैं, जिंदगी यूपीएससी के आगे भी है जी। अगर मैं ये नहीं कर पाती तो मैंने साथ में ही नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा था, नेट JRF, तो मैं एकेडमिक्स में जाती, मैं प्रोफेसर आगे रिसर्च वर्क करती, तो ऐसा नहीं कि देश का सेवा सिर्फ अफसर बनकर ही हो सकता है। अब जिस फील्ड में भी रहिए बस मन लगा के काम। अच्छा, तो डेडिकेशन किसी भी क्षेत्र में हो जरूरी होता है। जी जी, चाहे वो कोई भी काम हो, डांस हो, पेंटिंग हो, बस अपना 100% जरूरी है हर काम में ईमानदारी। और प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं है इसमें, है ना? प्रेशर तो बिल्कुल लेकर नहीं होगा, ऐसा बहुत वक्त आता है जब लगता है कि डीमोटिवेटिंग लगता है, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी होता है यूपीएससी का, एक साल का समय कोई छोटा नहीं होता है। तो इसको हैंडल कैसे किया जाए, आपने कैसे किया इसे हैंडल? मुझे ये था कि मैं गांव से आती हूँ, इमामगंज जैसे गांव से मैं उठकर अगर मैं दिल्ली पढ़ने गई, मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। कितने लोग बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, अगर मैं भी कुछ नहीं बन पाऊँ तो फिर और लोग नहीं भेजेंगे बेटियों को पढ़ने के लिए, तो मैं शायद अगर एक आज कुछ बन पाई हूँ तो लोग और भी अपनी बेटियों को आगे भेजेंगे। जी बिल्कुल, आप बहुतों की प्रेरणा बन चुकी हैं। अब जब आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया है तो किस पद पर जाने की ख्वाहिश है? पद मुझे रैंक तो मेरा उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं दोबारा भी जरूर ट्राई करूंगी अटेम्प्ट, मुझे सेंट्रल सर्विसेज मिलेगा। अच्छा, बनना क्या चाहती हैं? बनना तो जो भी यूपीएससी देते हैं सबका IAS बनना ही होता है। हाँ, तो मैं फिर दोबारा मैं कोशिश करूंगी, अभी तो कॉलेज और इन सब साथ में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मतलब अभी आप एग्जाम में फिर से बैठती दिखाई दे सकती हैं। जी जी जी। अच्छा, एक मेरा थोड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल है आपसे कि हमारे देश में देखने को मिलता है कि राज्यों में जो प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति लोगों के मन में डर तो दिखता है, लेकिन उनके लिए सम्मान वो नजर नहीं आता जो एक आर्मी के सम्मान सिपाही के प्रति रहता है, तो एक अधिकारी बनने के बाद आप इस छवि से कैसे निपटेंगे? जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत ही मतलब लोगों को अप्रोचेबल हूँ। एक यहाँ पे लोग एक इलिट कल्चर बन जाता है कि हम अफसर हैं तो हम बाकी लोगों से नहीं मिलेंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, अपने आप को ऊपर समझेंगे, वो नहीं होना चाहिए। हम जनता की सेवा करने के लिए हम जा रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि आप सरकारी नौकर नहीं है, हम जनता के नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट है, हम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। तो जब ये सोच लेंगे कि पब्लिक सर्वेंट है तब बदल जाएगा सब। जैसे कि अक्सर मैंने कई अफसर से भी बातें की हुई हैं, तो वे बताते हैं कि जब वो आते हैं इस क्षेत्र में, अधिकारी के जब नए नए आते हैं तो वो यही सोच कर आते हैं, लेकिन सिस्टम वैसा है कि उन्हें बदलना पड़ता है। सिस्टम मैं इस बात से नहीं मानूंगी, हालांकि मुझे अभी अंदर जाने का तो एक्सपीरियंस अब जाकर होगा। अगर इंटीग्रिटी मेरा मजबूत है, मेरी जो अंदर का जो क्या कैरेक्टर अगर स्ट्रांग है, तो आप हर चीज से ओवरकम कर सकते हैं। बहुत एग्जांपल है ईमानदार अफसर के जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इतना प्रेशर और हर चीज के होते बावजूद। तो उसके लिए पॉलिटिकल सामंजस्य बैठाना पड़ता है। अच्छा, एक और सवाल है सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ। आजकल तो मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ही लोगों की जिंदगी बनी हुई है, तो सोशल मीडिया से आपने जो है इसका यूज कैसे किया और इसके मिसयूज से कैसे बची, आपकी सफलता में इसका क्या रोल रहा? जब मैंने तैयारी करने की ठानी थी तभी मैंने फेसबुक और ये सब मैंने अपने फोन से हटा दिया था। कि मुझे ये सब की डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, आपको कुछ समय के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, त्यागनी पड़ेंगी। अच्छा, तो इसका यूज नहीं है, इसका केवल मिसयूज ही नजर आता है? नहीं, सोशल मीडिया का तो मुझे नहीं लगता कि कुछ तैयारी के दौरान यूज है। आप फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब से आप पढ़ाई की वीडियोस देख सकते हैं, गूगल है, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ खास फायदा होगा आपको। आपके तैयारी के दौरान सफलता में सोशल मीडिया का कोई रोल नहीं रहा है, आप इससे दूर ही रही हैं?
जी जी मैं बिल्कुल दूर रही हूँ। मैं अभी भी फेसबुक पे मैं नहीं मतलब एक्टिवेट नहीं किया है मैंने अभी भी। जी अच्छा, जैसा कि हर कोई जानता है कि परिवार का रोल सपनों को साकार करने में हमेशा से ही रहा है, और आपने तो बताया कि आपके भाई जी का काफी अहम योगदान रहा है, अन्य जी जी क्या दोस्तों या अन्य जो परिवार के सदस्य हैं उनका क्या रोल रहा? जी मेरे मम्मी पापा ने बहुत, कोई बहुत अमीर घर से नहीं आते हैं लेकिन फिर भी पढ़ाई पापा ने पूरी कोशिश करी कि ऊंच से ऊंच अच्छे जगह से शिक्षा मिले हम लोगों को। तो उन्होंने अपना सब कुछ लगा के बचपन से ही बहुत अच्छा शिक्षा दिलाया और तब जाके मैं मिरांडा और जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ पाई हूँ। अच्छा, जैसा मैं कि देख रहा था कि आपका जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स रहा है ग्रेजुएशन में, जी जी और एग्जाम जी आपने किस सब्जेक्ट से दिया? इकोनॉमिक्स है जी इकोनॉमिक्स से ही दिया, यानी कि जिस चीज से पढ़ा उसी चीज को अप्लाई किया। जी तो बहुत लोग हम देखते हैं कि बाद में जाके यूपीएससी एग्जाम के लिए कहते हैं कि हिस्ट्री या सोशल साइंस, सामान्य भाषा में कहें तो सोशल साइंस जी से ही करते हैं। आपको नहीं लगा कि आपको भी सोशल साइंस से करनी चाहिए? जी मुझे लगा ऐसा कुछ नया पढ़ने से अच्छा है कि मैंने जो पढ़ा मैं उसमें थोड़ा और मुझे मेहनत करना पड़ेगा, पर अगर मैं कुछ नया लेती तो मुझे एकदम स्क्रैच से शुरू करना पड़ता। जनरल स्टडीज फिर आपने कैसे कंप्लीट किया, क्योंकि सामान्य जो विषय है वो जनरल स्टडीज से ज्यादा जुड़ा होता है? कुछ एनसीईआरटी में मैंने फोकस किया, उसके बाद जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है मैंने सोर्सेस को अपने लिमिटेड रखे और बार बार रिवीजन पे ही फोकस किया है। अच्छा, मतलब ज्यादा किताबें पढ़ने से अच्छा है जो पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा पढ़े। जी, जो पढ़ रहे हैं उसी को बार बार अच्छे से पढ़ें, रिवीजन की है मतलब एग्जाम को क्लियर करने का। एनसीईआरटी हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि एनसीईआरटी अहम योगदान रहता है सिविल सर्विस में, लेकिन उसके अलावा? एनसीईआरटी के अलावा फिर स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लाइफ साइंस है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, बिपिन चंद्रा हो गया, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग हो गए। तो इसी तरह स्टैंडर्ड बुक्स हर सब्जेक्ट के लिए हैं एक एक जो आप पढ़ सकते हैं। शेड्यूल भी आपने बनाया था, जैसे रूटीन पे लोग चलते हैं अपने दिनचर्या को बदल देते हैं, आपने भी ऐसा कुछ किया था? जी शेड्यूल भी था कि कम से कम रोजाना 6 घंटा तो मिनिमम पढ़ाई करनी, और एग्जाम के टाइम वो 13, 14, 10, 12 घंटा हो ही जाता है और जो मिनिमम। डाउट्स आते हैं वो कैसे क्लियर होते हैं? डाउट मैंने कोचिंग ली थी वाजीरामन रवि से, तो जी, वहां से अच्छा फाउंडेशन बन गया था मेरा। तो वहां से आपको सहयोग मिलता रहा। जी जी, अब आज छोटा सा आखिरी सवाल है कि सपना कुमारी बिहार जी के उन युवाओं को सफलता की कौन सी मंत्र देना चाहेंगी जो सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं? मैं यही कहूंगी कि मेहनत करते रहिए और रिजल्ट का मत सोचिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, बस लगे रहिए। कंसिस्टेंसी और परसिवियरेंस बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, और आपने जो सोचा है काफी बेहतरीन है आपकी, और आपका हम उम्मीद करेंगे कि आप जो भी आपका सपना हो वो और भी पूरा हो, आपकी और भी कई सपने हैं। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए बिहारी न्यूज से। थैंक यू थैंक यू। अभी हम यूपीएससी एग्जाम में ऑल इंडिया 806 रैंक लाने वाली सपना कुमारी से बात कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि लक्ष्य को पाने के लिए ध्यान भटकाने वाले वस्तुओं से दूर रहना पड़ता है, कोई शॉर्टकट नाम की चीज किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए नहीं होती, मेहनत और लगन ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, इसलिए आप केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। जो माहौल आपके ध्यान को भटका रही है उनसे दूरी बनाएं और एक जगह पर अपना फोकस रखें। सपना की यह बातें आपके अपने लक्ष्य को पाने में काफी सहयोग और योगदान दे सकती हैं, इस पर आप ध्यान जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।